हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज फॉर नीट जेईई एंड गुजकैट। डियर स्टूडेंट्स, करंटली वी आर डिस्कसिंग पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकैट 2018। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम 8000 एमस्ट्रॉन्ग टू 4000 एमस्ट्रॉन्ग, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन रेले स्कैटरिंग विल बिकम ब्लैंक टाइम्स द इनिशियल स्कैटर्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों, यहाँ पे हमें वेवलेंथ चेंज होने से रेले स्कैटरिंग की इंटेंसिटी में कितना चेंज आता है वो फाइंड करना है। तो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ रेले स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ का एक रिलेशन है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेले स्कैटरिंग, दैट इज आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4, और वी कैन से इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ^4। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, रेले स्कैटरिंग इंटेंसिटी, दैट इज आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ^4। अब यहां पे वेवलेंथ चेंज हो रही है 8000 एमस्ट्रॉन्ग टू 4000 एमस्ट्रॉन्ग। तो सपोज मान लो λ1 दैट इज 8000 एमस्ट्रॉन्ग एंड λ2 दैट इज 4000 एमस्ट्रॉन्ग। तो जब लाइट की वेवलेंथ 8000 एमस्ट्रॉन्ग थी तब इंटेंसिटी मान लो I1 थी, अब वो 4000 हो रहे थे, इंटेंसिटी I2 हो रही है, तो I1 I2 एंड λ1 λ2 का क्या रिलेशन मिलेगा, दैट इज I2/I1 इज इक्वल टू λ1^4 डिवाइडेड बाय λ2^4। वॉट इज I2/I1 इज इक्वल टू λ1^4 डिवाइडेड बाय λ2^4। अब बच्चों, हमें λ1 एंड λ2 पता है, वॉट इज λ1 दैट इज 8000, वॉट इज λ2 4000। सो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे मिलेगा 2^4, तो ये हो जाएगा 16। मतलब इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, दैट इज I2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स I1। व्हाट इज I1? इनिशियल स्कैटर्ड इंटेंसिटी। तो करेक्ट आंसर इज सी, राइट? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 गिव्स डेविएशन ऑफ 3.6 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज। तो बच्चों, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और यहाँ पे क्या दिया है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू दिया है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन दिया है दैट इज डेल्टा। तो हमें ऐसा इक्वेशन याद करना पड़ेगा जो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, याद करो, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, यहां पे म्यू की जगह पे ईटा लिखा है, तो ईटा और म्यू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू ईटा माइनस वन इंटू ए। अब डेल्टा हमें दिया गया है दैट इज 3.6, ईटा हमें पता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस वन दैट इज 0.6, एंड ए हमें फाइंड करना है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 6 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सर्फेस इज 60 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ब्लैंक सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहां पे हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब उसकी एक जो सरफेस होती है वो कर्व होती है और दूसरी सरफेस फ्लैट होती है, यू कैन सी, ओके, दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे ये जो मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है दैट इज ईटा इज इक्वल टू 1.5, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर दी है और हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों, यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। कौन सा यूज करना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला। तो वो कौन सा है बच्चों? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। सो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला
1 over f is equal to mu minus 1, 1 over r1 minus 1 over r2. तो बच्चों यहाँ पे म्यू पता है, दैट इज 1.5, तो 1.5 यहाँ पे रख दो, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कर्व सरफेस है उसकी दी है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, तो आर वन हो जाएगा 60 एंड आर टू, तो बच्चों जो सेकंड सरफेस है ओके वो फ्लैट है, मतलब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो आर टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 ओवर f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 ओवर r1। अब r1 कितना है बच्चों 60, तो सब वैल्यू हमारे पास है, इफ यू सॉल्व दिस देन वी विल गेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, सो करेक्ट आंसर इज बी दैट इज 120 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10^-10 मीटर देन द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी ब्लैंक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की पोजिशन में जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमें यहाँ पे दी गई है, और मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमें हाइगनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो वॉट इज दैट प्रिंसिपल, इफ यू लुक एट द मैथमेटिकली, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर टू पाई। मतलब बच्चों वॉट इज डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर टू पाई। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉट इट सेज, इट सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली एट द सेम टाइम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सपोज मैं मान लेता हूं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई है, अब ये राइट साइड जो है वो तो कॉन्स्टेंट है एच ओवर टू पाई, तो अगर मान लो कि डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी पोजिशन बहुत ही कम है, पोजिशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम है, तो अगर ये जो फॉर्मूला है, अगर ये रिलेशन जो है उसको हमें कॉन्स्टेंट मेंटेन करना है राइट साइड को, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पी ज्यादा होना चाहिए, अगर डेल्टा एक्स कम है तो डेल्टा पी ज्यादा होना चाहिए, और डेल्टा एक्स ज्यादा है तो डेल्टा पी कम हो जाना है, तभी ये रेशियो ये जो इक्वालिटी है वो मेंटेन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हो देन वी कैन नॉट मेजर द मोमेंटम एक्यूरेटली, और अगर आप मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करते हो तो हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स हमें दिया गया है 10^-10 और डेल्टा पी फाइंड करना है, तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा एक्स को राइट साइड ले लो, तो डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10^-34 प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई मल्टीप्लाई बाय 10^-10 दैट इज द डेल्टा एक्स। इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10^-24 राइट, सो दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। So, uncertainty in momentum of electron will be 1.05 multiplied by 10^-24. The correct option is A. Now, question number 10. If the energy of photons corresponding to the wavelength of 6000 angstrom is 3.2 multiplied by 10^-19 joule, the photon energy for wavelength 4000 एमस्ट्रॉन्ग विल बी। तो बच्चों यहां पे जब फोटोन की वेवलेंथ 6000 एमस्ट्रॉन्ग है उस टाइम पे हमें कितनी एनर्जी है वो दिया गया है, तो अगर वेवलेंथ 6000 एमस्ट्रॉन्ग से 4000 एमस्ट्रॉन्ग होगी तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो यहां पे हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बच्चों जो एनर्जी एंड वेवलेंथ का रिलेशन देता हो, तो सिंपल फॉर्मूला है हमें पता है इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, एनर्जी एंड वेवलेंथ रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन इज इक्वल एस सी डिवाइडेड बाय लैम्डा।
तो अगर लेमडा 6000 एमस्ट्रॉन्ग है, उस टाइम पे एनर्जी है 3.2 मल्टीप्लाई 10^-19, तो हमें एससी मिल जाएगा। तो एससी फाइंड कर दो यहाँ से। ओके, तो एससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई 10^-19। अब क्या करना है बच्चों, कि जब लेमडा 4000 हो उस टाइम पे ई कितना होगा वो फाइंड करना है। तो ई इज इक्वल टू एससी डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा की जगह में 4000 रख दो, और एससी तो ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है हमने, वो यहाँ पे रख दो। ओके, तो हमें एनर्जी मिलेगी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 जूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एंड वेरी इजी, राइट। तो आई होप कि आपके आज के लेक्चर में जितने अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको पता चल गया होगा। लिस्ट ऑफ ईयर वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ गुजकेट 2018 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।